हेलो फ्रेंड्स, मीना से तड़का में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन 65। इसे बनाना बहुत आसान है, आप इसे मेन कोर्स या स्टार्टर में भी खा सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन। इसे मैरिनेट कर लेंगे। इसके ऊपर डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, थोड़ा सा कटा हुआ करी पत्ता, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून दही, 1 फेटा हुआ अंडा, इसे भी डाल देंगे। दो टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, 2 टेबलस्पून चावल का आटा, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि चिकन इन सारे मसालों से अच्छी तरह से कोट हो जाए। अब हम चिकन को रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तेल मैंने गरम कर लिया है। एक एक करके सारे चिकन पीसेस को डाल देंगे और इसे मीडियम आंच पे फ्राई कर लेंगे। इसे पलटते रहें ताकि चिकन हर तरफ से क्रिस्पी हो जाए। चिकन फ्राई हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। एक पैन में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 2 लाल मिर्च और 2 कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, 1 टेबल स्पून चॉप्ड गार्लिक, 1/2 करी पत्ता, अच्छे से मिला लेंगे, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस मिला लेंगे। इसके ऊपर डाल रही हूँ मैं 1 से 2 चम्मच पानी ताकि हमारा मसाला ना जले। 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। अभी डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ चिकन पीसेस, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। रेडी हो गया हमारा चिकन 65। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और मेरे नए नए रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।